नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक क्विक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो बहुत जल्दी बन जाएगी। तो जिसे हम आज लेफ्ट ओवर रोटी में से बनाएंगे वो है ढोकला। तो हम आज लेफ्ट ओवर रोटी में से बनाएंगे ढोकला जो बहुत क्विक बन जाएगा। यूजुअली तो हमें बहुत दाल और वो सब बहुत भिगाना पड़ता है और उसके बाद में हमें इसे रेस्ट देना होता है। ये बहुत ही जल्दी बन जाएगा, आसानी से 10 से 15 मिनट में। तो हमने ली है लेफ्ट ओवर रोटी, हमने 3 रोटी ले ली है। ये हमने लिया है बटर मिल्क, इसकी जगह आप दही भी ले सकते हैं। हमने लिया है तिल, हमने लिया है जीरा, हींग, राई, गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च पाउडर, सूजी ली है हमने, हल्दी, बेकिंग सोडा है, धनिया जीरा पाउडर, ऑयल। तो हमने हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट ली है और आप साथ चाहें तो इसमें साथ ही में अदरक भी डाल सकते हैं। हमने ली है करी पत्ता। आइए हम शुरू करते हैं। तो हमने एक मिक्सर जार लिए हुए हैं, अब हम इसमें हमारी रोटी डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा छाछ डाल देंगे, बटर मिल्क। आप चाहें तो इसकी जगह दही और पानी ले सकते हैं। हमने खट्टी छाछ ली है, अगर आप दही ले रहे हैं तो खट्टा दही लीजिए और साथ ही में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो वो भी चलेगा। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम हमने पेस्ट जैसा बना लिए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब इसमें हम और छाछ डालेंगे और नॉर्मल बैटर होता है ऐसा बना लेंगे। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं। तो हम साथ में थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे मिक्सी जार में जो बच गया था वो लेकर। तब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और पतला सा थोड़ा सा बैटर कर लेंगे। तब देख सकते हैं तो हमारा इसमें एक बड़ा कप छाछ चली गई है। तो आपको एक बड़ा कप दही चाहिए होगा और पानी भी हमने डाला हुआ है। तो अब हम इसमें सूजी डालेंगे 1 छोटा कप। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे पहले। अब हम इसमें हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। तो अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। तो सबसे पहले डालेंगे हम टेस्ट टू सॉल्ट। तो हमारी रोटी में सॉल्ट था तो हम थोड़ा सा कम डालेंगे। धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। तब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तब हम इसे ढककर अराउंड 5 to 7 मिनट तक रेस्ट देंगे। ज़्यादा नहीं है, 5 to 7 मिनट्स काफ़ी है। सिर्फ हमारी सूजी थोड़ा सा हमारी फूल जाए। तो 7 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके ऊपर हम 1 टेबलस्पून जितनी छाछ डालेंगे। आप चाहे तो ऑयल डाल सकते हैं या फिर दही डाल सकते हैं, और कुछ ना हो तो पानी भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे मिला लेंगे। तो हमने एक डिश ली है और इसमें अब हमारा बैटर पॉर कर देंगे। और इस डिश को हमने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तब हम इसमें डाल देंगे। तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी हमें स्प्रिंकल करनी है। तब हम इसको हमारे स्टीमर में रख देंगे। तो हमने पानी ऑलरेडी स्टीमर में डाल दिया था, उबल भी चुका है। अब हम इसे रख देंगे और इसे ढककर हम अराउंड 7 to 8 मिनट तक रखेंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो वापस रख देंगे, पर इस बीच आप चेक करते रहिए। तय हो चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे और इसे हम एकदम अब ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसे कट कर लेंगे।
तो हमने निकाल लिए हैं प्लेट में। तो अब हम इसका तड़का लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम ऑयल, अब हम इसमें डालेंगे राई, अब हम इसमें डालेंगे जीरा, हींग, तिल और करी पत्ते। अब इसके ऊपर हम पॉर कर देंगे। तो तैयार हमारे लेफ्ट ओवर रोटी में से टेस्टी टेस्टी ढोकले। तो रेसिपी ये आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और माय लाइफ इज कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक माय लाइफ इज कुकिंग पर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।